सो हाय गाइस, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस वेट। गाइस, आज के इस वीडियो में हम एंड्रॉइड फोन को अपने पीसी के लिए एज अ सेकेंडरी मॉनिटर यूज करने वाले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा लैपटॉप और यहाँ मेरा फोन, दोनों का कोऑर्डिनेशन। फोन को मैंने एज अ सेकेंडरी मॉनिटर यहाँ पर यूज कर रखा है और अपने पीसी की स्क्रीन को एक्सटेंड कर रखा है। आप भी करना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, वीडियो आपके लिए बहुत ही मजेदार और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए देर किस बात की है, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने पीसी या लैपटॉप में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेंगे जिसका नाम रहेगा स्पेस डेस्क। विंडोज 10, 11, 8.1 सभी के लिए अवेलेबल है, अदर ओएस के लिए भी अवेलेबल है। आप थोड़ा नीचे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, और साथ ही 32 बिट और 64 बिट बेस्ड दोनों ही तरह के हार्डवेयर के लिए अवेलेबल है। इसको डाउनलोड आपको करना है और इसको इंस्टॉल करना है अपनी अपनी कॉन्फिगरेशन के हिसाब से। इस सॉफ्टवेयर की खास बात यह है कि हम इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से अपने एंड्रॉयड फोन को एज सेकेंडरी मॉनिटर यूज कर सकते हैं, वो भी मल्टीपल मेथड से, वाईफाई के थ्रू भी, मतलब वायरलेस सेकेंडरी मॉनिटर भी और डेटा केबल के थ्रू भी। मैं यहां पर आपको डेटा केबल की हेल्प से यहां पर पूरा सेटअप क्रिएट करके बताऊंगा, क्योंकि डेटा केबल आपको सेकेंडरी मॉनिटर में वायरलेस मीडियम से बेहतर रिस्पॉन्स देता है। खैर, सॉफ्टवेयर हमारा यहां पर इंस्टॉल हो गया है। आप इसे यहां क्विक लॉन्च से ओपन कर सकते हैं या फिर सर्च में फाइंड आउट करके फिर आप इस सॉफ्टवेयर को ओपन कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर ओपन होने के बाद यहां आप देख सकते हैं कि स्पेस डेस्क ड्राइवर जो है वो ऑन है, और ये ऑन होना चाहिए तभी आपका सिस्टम आपके फोन से कम्युनिकेट करेगा, चाहे किसी भी मीडियम से कम्युनिकेट करे, चाहे वो वायरलेस मीडियम हो या फिर डेटा केबल का मीडियम हो। सेम ऐप को हमें अपने फोन में भी इंस्टॉल करना है क्योंकि तभी कम्युनिकेट कर पाएगा। तो सेम ऐप को आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है और इसको आपको डाउनलोड कर लेना है, जिसका नाम है स्पेस डेस्क। स्पेस डेस्क ऐप डाउनलोड होने के बाद आप इस ऐप को ओपन कर लेंगे। ओपन करते ही यहां पर मेरा पीसी यहां पे मुझे नजर आ गया, यानी कि मेरा लैपटॉप का नाम यहां पे नजर आ गया। उसके पीछे एक रीजन है। रीजन क्या है? क्योंकि मेरा जो फोन है और जो मेरा लैपटॉप है दोनों एक ही वाईफाई से कनेक्टेड है, इसलिए अगर मैं चाहूं तो डायरेक्ट यहां से वायरलेसली दोनों को कनेक्ट कर सकता हूं और अपने फोन को एज सेकेंडरी मॉनिटर यूज कर सकता हूं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको डेटा केबल से अच्छी कनेक्टिविटी मिलेगी अगर आप एक्चुअल में अपने फोन को एज सेकेंडरी मॉनिटर यूज करना चाहते हैं तो। ओके, तो मैं इसलिए यहां पे डेटा केबल से आपको ये प्रोसेस आपको बता रहा हूं, और वायरलेस अगर आपको करना हो तो डायरेक्ट वहीं पर ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। डेटा केबल से कनेक्ट करने के लिए यहां पर पीसी में सेकंड ऑप्शन यहां पर आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, यूएसबी केबल ड्राइवर एंड्रॉइड, जो कि अभी स्टेटस यहां पर आ रहा है ऑफ। आप इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करते ही राइट हैंड साइड में यहां पर आपके पास एक दूसरा ऑप्शन यहां पर मिल जाएगा, यूएसबी केबल एंड्रॉइड, और जो कि अनचेक होगा। आपको इस ऑप्शन को चेक करना है। ओके, चेक करने के बाद आपके पास जो भी प्रॉम्प्ट आपके पीसी में आएगा आप उसको यस करेंगे, जिससे कि जो यूएसबी ड्राइवर हैं वो आपके सिस्टम में अनेबल हो जाएं। अब आपने इसको चेक कर दिया है, यूएसबी आपके सिस्टम से कनेक्ट होने के लिए तैयार है और फोन भी आपके सिस्टम से कनेक्ट होने के लिए तैयार है। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर अपने फोन की डेटा केबल को यूज करके फोन को और लैपटॉप को आपस में कनेक्ट कर देता हूं। कनेक्ट करते ही आपके फोन में एक पॉपअप आएगा, स्पेस डिस्क का ऑथेंटिकेशन पॉपअप जो होगा, आप इस पर यस टैप करेंगे, और यस टैप करते ही आपका जो फोन है वो लैंडस्केप मोड में आ जाएगा और आपका पीसी का यहां पर एक्सटेंडेड स्क्रीन या फिर डुप्लीकेट स्क्रीन आपको यहां पर आपके फोन में शो होने लगेगी, यानी कि आपका जो फोन है यहां पर सेकेंडरी मॉनिटर बन चुका है। हाँ, लेकिन यहां पर आपको एक्सटेंडेड स्क्रीन शो हो रही है या फिर डुप्लीकेट स्क्रीन शो हो रही है, ये आपको कैसे पता चलेगा? भाई, आपका मॉनिटर और बड़ा हो गया है, आप इस तरह से जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं अपना टास्क सेकेंडरी मॉनिटर पर शिफ्ट कर सकते हो, या फिर सेकेंडरी मॉनिटर पर टास्क को अलग से ऑपरेट कर सकते हो, ठीक है, अलग से एप्लीकेशन रन कर सकते हो। आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से विंडोज को एक मॉनिटर से दूसरे मॉनिटर यानी कि फोन की स्क्रीन पर शिफ्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर काफी सारे टास्क में हमारा फोन एज सेकेंडरी मॉनिटर यूज हो सकता है। अगर सपोज आपके पास टैबलेट है, एंड्रॉइड टैबलेट है, तो आप उसको सेकेंडरी मॉनिटर बना सकते हैं सेम प्रोसेस की हेल्प से। लेकिन ये तभी होगा जब एक्सटेंडेड मॉनिटर की सेटिंग सेट होगी डिस्प्ले सेटिंग में, ठीक है, तभी एक्सटेंड होगा। अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है कि आपके इस सेटअप में आपको आपके फोन में डुप्लीकेट स्क्रीन शो हो, यानी कि जो आप अपने सिस्टम में कर रहे हो वही सेम आपको इस फोन की स्क्रीन पर होता हुआ नजर आए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको कुछ भी नजर ना आए। तो इसके लिए आपको अपने सिस्टम में एक सेटिंग को चेक करना होगा। आप क्या करेंगे, स्टार्ट बटन में जाएंगे और यहां पर सेटिंग में जाएंगे, और सेटिंग में आएगा सिस्टम, सिस्टम में जाएंगे और डिस्प्ले आएगा। यहां पर आपको दो डिस्प्ले शो करेगा, वन और टू।
वन आपकी प्राइमरी है, आपका पीसी है, सेकंड आपका फोन है। आप सेकंड पे क्लिक करेंगे और सेकंड से रिलेटेड आपके यहां पर नीचे सेटिंग आ जाएगी, यानी कि सेकंड मॉनिटर से रिलेटेड जो कि आपका फोन है इस वक्त, उससे रिलेटेड सारी सेटिंग्स आपको नीचे यहां पर नजर आ जाएगी। लाइक रेजोल्यूशन, आप रेजोल्यूशन सेट कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके फोन में आपको फुल स्क्रीन विंडो शो ना हो रही हो, तो आप यहां से रेजोल्यूशन चेंज करके फुल स्क्रीन में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, ये तो रही रेजोल्यूशन की बात। बात करें अगर हम एक्सटेंडेड डिस्प्ले की, तो नीचे आपको मल्टीपल मॉनिटर या फिर मल्टीपल डिस्प्लेस की सेटिंग यहाँ पे मिलेगी, जिसमें से आप ये सेटिंग चूज कर सकते हैं कि आपको जो सेकेंडरी मॉनिटर है उसको आप एज अ डुप्लीकेट स्क्रीन यूज करना चाहते हैं, या फिर एक्सटेंडेड स्क्रीन यूज करना चाहते हैं, या फिर कोई स्क्रीन यूज नहीं करना चाहते। तो यहां से आप चूज कर सकते हैं जो भी ऑप्शन आप अपने सेकेंडरी मॉनिटर फोन के साथ आप यूज करना चाहते हैं। तो इस तरह से आप अपने एंड्रॉइड डिवाइस को एज सेकेंडरी मॉनिटर यूज कर सकते हैं। और चलते चलते मैं आपको बता दूं, ये जो टूल है होम और एजुकेशनल पर्पस से एकदम फ्री है। यहां आप ऐप में देख सकते हैं, नीचे आपको वैलिडिटी आपको बता रहा है इस फ्री वर्जन की, जो कि 31 दिसंबर 2024 तक है, यानी कि एक साल अभी आपके पास है। तो कंफ्यूज मत होना कि फ्री है या पेड, आप जब भी इंस्टॉल करेंगे आपको नेक्स्ट वन ईयर की वैलिडिटी यहां पे मिल जाएगी। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और देखते रहो बस्टवी टेक। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।